की लड़ाई में कोई जीत जाता है तो कोई हारता है, बट जीत और हार के बीच कभी कभी कुछ सेकंड्स का फर्क रहता है। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि कैसे एक एवरेज स्टूडेंट टॉपर बन सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हार्ड वर्क करते हैं बट 3% ही टॉप कर पाते हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट्स एवरेज में रह जाते हैं। भाई एक चीज़ याद रखो, ज़्यादातर एवरेज स्टूडेंट्स कभी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते, क्योंकि जो टॉप करते हैं वो तो गारंटी आज नहीं तो कल एक टॉप रेपुटेटेड जॉब करेंगे ही करेंगे, और जो सबसे पीछे रहते हैं एग्जाम में, बैक बेंचर्स, वो पढ़ाई जब करते हैं तो फोड़ देते हैं, और जो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रखे वो कुछ अलग करते हैं और उस फील्ड में इमारत हासिल करते हैं। सो टॉपर्स एंड बैक बेंचर्स के लाइफ में सक्सेस हो गई, बाकी रह गए एवरेज स्टूडेंट्स, वो पूरी ज़िंदगी एवरेज जॉब में ही संतुष्ट रह जाते हैं। सो आज मैं टॉपर्स की 5 स्टडी टेक्निक्स बोलने वाला हूँ, सो आप कहीं मत जाइए, ध्यान से सुनिए अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हो तो, क्योंकि ये सब पॉइंट्स साइंटिफिक है और इसे मैं खुद भी ट्राई कर चुका हूँ। बहुत स्टूडेंट्स ये अप्लाई करके एवरेज से टॉपर बने हैं। फर्स्ट टिप, स्टडी सेशन। आप लगातार 4-5 घंटे पढ़ नहीं सकते, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, इसलिए आप लगातार 50 मिनट पढ़ो, देन 10 मिनट का ब्रेक लो। ये 10 मिनट के गैप में आप बाहर थोड़ा जाके रिलैक्स कर लो, या फिर बिना लिरिक्स के कोई सॉफ्ट सॉन्ग सुन लो। मैं यहाँ पे बिना लिरिक्स का बोल रहा हूँ क्योंकि आप 50 मिनट ब्रेन वर्क करके आए हो, इसलिए उसे थोड़ा रिलैक्स दो, ब्रेन प्रेशर में मत डालो, स्लो सॉन्ग सुनो। नेक्स्ट सेशन 50 मिनट का लो, दोबारा से 10 मिनट का ब्रेक लो। उस ब्रेक में ज़्यादा काम नहीं करना है आपको, इसे ध्यान में रखिएगा। इसी तरह आप 3-4 घंटे आराम से पढ़ सकते हो। उस 10 मिनट्स का ब्रेक के अंदर किसी फ्रेंड का कॉल आता है या सोशल मीडिया में मैसेजेस आते हैं तो आप उन सब से दूर रहो, क्योंकि आप 10 मिनट बोलते बोलते कभी कभी 1-2 घंटा का भी ब्रेक ले जाते हो। क्या फ़ायदा, खुद को ही फूल बना रहे हो। सो 10 मिनट्स का ब्रेक मतलब 10 मिनट का ही ब्रेक। सो आपका सेकंड पॉइंट है स्लीपिंग हैबिट। देखिए आप अपना टाइम फिक्स कीजिए कि आपको किस टाइम पे बेड पे जाना है और किस टाइम में आपको उठना है, और आपको ये टाइम रेगुलरली मेंटेन करना होगा। आप ऑयली फूड्स या ज़्यादा डाइट मत खाइए, क्योंकि ज़्यादा जब आप खाते हो कोई एक दिन पे, तब आपकी जो ब्रेन में ऑक्सीजन होती है वो पेट में चला जाता है उसे डाइजेस्ट करने के लिए। तो ब्रेन में ऑक्सीजन लो रहने के वजह से आपको उस दिन नींद बहुत आएगी, एंड स्लीपिंग का जो फिक्स टाइम था उसे आप डेविएट हो जाओगे। आप जब रोज़ उठते हैं तब बस बोलिए खुद को कि वाह क्या लाइफ है, मज़ा आ गया। आप एनर्जेटिक फील करोगे ऐसे खुद से पॉजिटिव बात करके। क्या आप जानते हैं अगर किसी की उम्र 7 साल है, अगर वो 6 घंटे की नींद लेता है तो वो अपनी 15 साल सोने में गंवाता है। अगर कोई इंसान 8 घंटे सोता है तो वो अपना 20 साल सोने में गंवाता है। टिप नंबर 3, स्टडी गोल्स। किसी भी चीज़ को करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। सेकेंड चीज़, ये उस प्लानिंग को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करके रखना भी होगा। स्टडी गोल्स आप बड़े बड़े मत कीजिए, डेली स्टडी गोल बनाइए कि आज मुझे ये पढ़ना है, ये चैप्टर ख़त्म करना है। देन आप अगर डेली गोल में सक्सेस हो जाते हो तो आप वीकली देन मंथली स्टडी गोल्स कीजिए, और आप किसी से प्यार करो या ना करो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप अपने सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, बुक्स से प्यार करना सीख जाओ। धीरे धीरे आप उसे प्यार करना सीख जाओ। अगर आप अपनी सब्जेक्ट से प्यार दिल से करोगे तो आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, एंड तब आपको मोटिवेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। व्हेन टू स्टडी, पढ़ना कब है। व्हाट टू स्टडी, क्या पढ़ना है। ये सब चीज़ आप खुद प्लानिंग करो, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई भी नहीं जानता।
जिस टाइम पे आप बहुत एनर्जेटिक रहते हैं उस टाइम पे पढ़ो और अपना टाइम किसी भी चीज़ में वेस्ट मत करो, क्योंकि सब निकल जाएंगे भाई, तुम पीछे रह जाओगे कि जहाँ से दोबारा कमबैक भी नहीं कर पाओगे। एंड बुक से दूर भागोगे, सब्जेक्ट को नफरत या डरने लगोगे। आप टाइम डिसाइड कीजिए कि आपको पढ़ना कब है, एंड सिलेबस में देखकर आप डिसाइड कीजिए कि किसी कितना पढ़ना है। एग्जैक्टली सब्जेक्ट चूज कीजिए कि आपको क्या पढ़ना है कब। एंड बहुत स्टूडेंट्स बुक लेके बैठे रहते हैं और कभी केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, कभी हिंदी पढ़ लेते हैं, कभी अकाउंटिंग पढ़ लेते हैं, जब मन हुआ तब पढ़ते हैं। तो ये सब से नहीं होगा कुछ, बस टाइम फिक्स कीजिए आपको कौन सा सब्जेक्ट और कब पढ़ना है और कितने घंटे देना है आपको, कौन सा टॉपिक में क्या इम्पोर्टेंट है। वो सब चीज़ के लिए आप अपना फ्रेंड्स या टीचर का हेल्प ले सकते हो। हाउ टू स्टडी, हमने तो बात कर ली व्हेन टू स्टडी एंड व्हाट टू स्टडी, अब बात करेंगे हाउ टू स्टडी। जैसे आप न्यूज़पेपर या मैगजीन पढ़ते हैं उसी तरह आप अपना चैप्टर पढ़िए। आप एक हाइलाइटर लीजिए और जो भी इम्पोर्टेंट स्टफ्स है आप मार्क कीजिए। एक मशीन की तरह बुक मत रटो, क्योंकि आप सब रटते हो इसीलिए आप एवरेज में हो अभी तक, इतना मेहनत के बावजूद भी। अगर आपका एग्जाम के लिए बहुत टाइम बाकी है तो आप अच्छे से पढ़ो, जैसे कि वो बुक के ऑथर आपके सामने बैठ के आपको पढ़ा रहे हैं, मतलब दिल से पढ़ो। एग्जाम के बारे में मत सोचो अभी से, क्योंकि एवरेज स्टूडेंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ओवर थिंकिंग करते हैं कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं हो पाती उनकी साल के ख़त्म होने तक भी। सो अब टिप नंबर 4, रिवाइज स्मार्टली। 10 दिन पहले आप क्या पहने वो आपको याद नहीं होगा, लेकिन खुद का या आपकी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे पे आप क्या पहने थे आपको ये ज़रूर याद होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो दिन आपके लिए स्पेशल था, क्योंकि ये बर्थडे से पहले आपने बहुत बार प्लानिंग किया होगा कि किसे क्या देना है, डिनर में क्या होगा एट्सेट्रा। आपने ये सब चीज़ बहुत बार इमेजिन किया होगा, ये सब याद रहता है क्योंकि आप इसके बारे में बार बार प्लानिंग एंड बार बार याद करते हो यार। कहते हैं जो भी चीज़ हम पढ़ें उसे अगर बहुत सालों तक याद रखना हो तब उसे बार 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 याद करो, क्योंकि इससे और कुछ शॉर्टकट नहीं है। मैंने सब चीज़ ट्राई कर लिया है, यकीन करो मेरा। एक कहानी है एक मालिक की जो अपने गार्डन में बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट लगाया है और उस फ्लावर्स से एक परफ्यूम बनाया, फिर उसे पानी में बहा दिया। ये क्या समझदारी है भाई, इतनी मेहनत के बाद सारा का सारा परफ्यूम पानी में बहा दिया। आप स्टडी 4 घंटे तो कर लेते हो, क्या आप रिवाइज करते हो? वही सबसे बड़ा फर्क है एक टॉपर एंड एक एवरेज स्टूडेंट के बीच में। आपने रिवाइज करने के लिए 1 घंटा भी नहीं निकाला तो क्या फ़ायदा, आप भी उस मालिक की तरह अपना सारा का सारा मेहनत बहा दिया। 1 घंटा आप निकालो रोज़ रिवीजन सेशन के लिए, ताकि आप जो भी पढ़े हो 4-5 घंटे में एक फिनिशिंग टच दे पाओ। एक रिसर्च में पाया गया है कि जो हम पढ़ते हैं वो 1 घंटे के बाद करीब करीब 44% तक याद रहता है और 1 दिन के बाद सिर्फ 33% याद रहता है। सो गाइज प्लीज आप रिवाइज स्मार्टली कीजिए। सो नाउ कम्स द लास्ट पॉइंट, फोकस ऑन द टास्क। कहीं बार देखने को मिलता है कि कोई इंसान किसी काम को करने से नहीं थकता है, उसे कहीं ज़्यादा उसके बारे में सोच सोच कर थक जाता है। इसीलिए सोचना बंद करो एंड काम शुरू करो। सोचने के लिए एक आप अलग टाइम लो, क्योंकि हमारे दिमाग में ऑन एन एवरेज 50,000 थॉट्स आते रहते हैं एक दिन में। सो सोच सोच कर टाइम वेस्ट मत करो, जो करना है जस्ट डू इट। मंजिल मिले या ना मिले तो किस्मत की बात है, कोशिश भी ना करे ये गलत बात है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और कोशिश जो करते हैं उनके सामने किस्मत भी कभी कभी हार जाती है। सो प्लीज़ गाइज कीप डूइंग हार्ड वर्क।